तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू द वीडियो। तो आज हम खड़े हैं निसान की मैग्नाइट के सामने। ये जो है हमारा बेस वेरिएंट है जो आप देख सकते हैं अपने सामने। तो इसमें हमें जो इंजन ऑफर किया जाता है वो 1 लीटर का नॉन टर्बो इंजन ऑफर किया जाता है, जो कि हमें 71 BHP पे जनरेट करके दे देता है 96 Nm का टॉर्क। बेस वेरिएंट में जो इसकी सबसे अच्छी खास बात लगी मेरे को वो है हमें जो आपको इसकी रेयर लुक पे मैं आपको ले जाता हूँ, इसमें पर और डिफॉगर भी देखने को मिल जाता है और उसके अलावा रूफ रेल्स भी हमें कंपनी फिटेड ही देखने को मिल जाती हैं और जो इसके डोर हैंडल्स हैं वो भी हमें इसमें बॉडी कलर देखने को मिल जाते हैं। बाकी टॉप वेरिएंट्स में जो इसके ORVMs हैं वो हमें बॉडी कलर देखने को मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर्स के साथ में। बेस वेरिएंट हम इसे कैसे पहचान जाते हैं कि इसके जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो हमें फेंडर पे देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम करने वाले हैं इसका ओनरशिप रिव्यू, तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है जो लोग निसान का बेस वेरिएंट कंसीडर करना चाहते हैं या फिर मैग्नाइट को परचेज करने की सोच रहे हैं। तो आइए अब हम इनके ओनर से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं इसके बारे में। हाय सर, तो पहले आप थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दिए अपने आप को। हाय गाइस, माय नेम इज अनुज एंड इट्स बीन मोर देन 4 मंथ्स आई एम ड्राइविंग निसान मैग्नाइट। ओके, आई हैव ड्रिवन इट फॉर अराउंड 8500 किलोमीटर्स। 8500 किलोमीटर्स आपने ड्राइव कर दिया इसको। तो कब ली थी आपने ये गाड़ी वैसे? ये मैंने ली थी सितंबर में, आई थी मेरी। अच्छा, 10 मंथ्स की मेरे को वेटिंग पीरियड भी मिला था। ओके ओके, सितंबर में आई थी। तो कितनी की पड़ गई थी आपको ये कार? ये मेरे को ऑन रोड या मेरे को तो बहुत सस्ती पड़ी थी, क्योंकि ये जब इनका जो इंट्रोडक्टरी प्राइस जो लॉन्च हुआ था तो तब वो मेरे ख्याल से 4.99 का था, तो ये मेरे को ऑन रोड 550 की भी नहीं पड़ी, सही बताओ तो उससे भी कम की मेरे को पड़ी है। ओके ओके, तो ये आपका बेस मॉडल है पेट्रोल, राइट? और ये आपकी फर्स्ट कार है? ये मेरी सेकंड कार है, इससे पहले मेरे पास टाटा नेक्सॉन थी। अच्छा, तो वो मैंने सेल करी थी, उसमें थोड़ा इशू आ रहा था, देन फिर मेरे को मैग्नाइट की लुक्स काफ़ी पसंद आई, मैं वापस नेक्सॉन ही बुक करने जा रहा था, लेकिन मेरे को इसकी लुक्स ज़्यादा अच्छी लगी, देन जिस प्राइस पे मेरे को स्पेशली ये मिल रही, प्राइस पॉइंट इट्स क्वाइट अमेजिंग। 0 में आई डोंट थिंक सो कि आज की डेट में स्विफ्ट भी आती है। हाँ, और उसमें हमें एक सब कॉम्पैक्ट SUV देखने को मिल जाती है, तो इसलिए फिर मैंने फिर मैग्नाइट ही परचेज करी। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो सर रहता है दिमाग में कि आपने निसान मैग्नाइट को ही क्यों चूज किया जबकि अदर कॉम्पिटिटर्स भी थे इसके मार्केट में? यार कॉम्पिटिटर्स क्योंकि सारे ही कॉम्पिटिटर्स हैं इसके, नेक्सॉन, ब्रेज़ा, वेन्यू, लेकिन जिस प्राइस पे ये दे रहे हैं उस प्राइस पे कोई गाड़ी नहीं है। हाँ, प्लस मेरे को नॉन टर्बो में मैं कहूँगा कि हाँ थोड़ी सी पावर कम है नेक्सॉन से, लेकिन आई एम हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। मतलब आपका कहने का मतलब है कि इसका जो ऑन रोड प्राइस है इट इज़ वेरी वैल्यूएबल। एग्जैक्टली, मतलब दिस कार इज एग्जैक्टली वैल्यू फॉर मनी। ओके, 5.5 में कौन सी गाड़ी आती है यार, प्लस ऐसी। तो यार थोड़ी गर्मी हो रही है, चलो इसके इंटीरियर में चलते हैं और बाकी बातें वहाँ करते हैं। ओके, ओके। तो गाइस देख सकते हैं आप, ऐसी हमें इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो देखने को मिल जाता है। ये पूरा डिजिटली आता है ना, आई गेस? ये पूरा डिजिटल है। अच्छा, और इसका जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है वो बेस मॉडल में तो नहीं आता होगा या आपने बाहर से लगवाया? बेस मॉडल में कुछ नहीं आता है, ये मैंने बाहर से एंड्रॉइड स्क्रीन लगवाई है 10 इंच। ओके ओके, तो यार सबसे पहले तो यही क्वेश्चन मन में रेज होता है कि माइलेज कितनी देती है? माइलेज यार मेरे को अभी सिटी में मिल रही है 13-14-15 डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक विद एसी। अच्छा, 13-14 13-14-15-16 भी मिल जाती है अगर खाली रोड ज्यादा है तो, लेकिन प्रॉपर ट्रैफिक में 13-14 तो आ रही है। अच्छा, तो अभी इसकी फर्स्ट सर्विस ड्यू है, सो आई गेस फर्स्ट सर्विस के बाद इसकी थोड़ी परफॉर्मेंस बढ़नी चाहिए। और बाकी इसका जो हाईवे का एक्सपीरियंस है, जो हाईवे के माइलेज है वो भी आप बता दो। हाईवे की माइलेज है यार, मतलब मैंने इसमें एक ट्रिप मारी थी अभी 900 किलोमीटर्स की, शिमला, नारखंडा, पूरा अपना पहाड़ों का एरिया भी था, सो टैंक टू टैंक एवरेज आप मान के चलो इसकी मेरी 25 से ज़्यादा मिली थी मेरे को। 25 से ज़्यादा, मतलब जो मैंने जो कैलकुलेट करी उस हिसाब से 27.6-27.8 के हिसाब से आई थी। सो अब लगा लो आप, मेरा 4,000-4,500 रुपये का पेट्रोल लगा था पूरी ट्रिप पे 900 किलोमीटर। इट्स क्वाइट अमेजिंग यार। तो आपको वैसे अगर इस गाड़ी की सेफ्टी की बात कर ली जाए तो कैसी लगती है? सेफ्टी वाइज इट्स गुड, मतलब दो एयरबैग्स हैं इसमें प्लस निसान मैग्नाइट ने बेस मॉडल में हम इतना ही सोच सकते हैं, दो ही। एग्जैक्टली, दो आजकल जितने भी सब 4 मीटर SUVs हैं तो मोस्टली सब में 2 एयरबैग्स ही हैं, नेक्सॉन में भी 2 एयरबैग्स ही थे मेरे जब पहले थी। तो जैसे कि निसान मैग्नाइट ने 4-4 भी स्कोर करा है ग्लोबल एनकैप में, जो कि आई गेस काफ़ी अच्छा है, 4-4 काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अनएक्सपेक्टेड भी था। अनएक्सपेक्टेड भी था एग्जैक्टली निसान की तरफ से,
नई गाड़ी आई तो इट्स गुड यार, सेफ्टी वाइज इट्स गुड. ओके ओके राइट. तो स्पेस की बात कर ली जाए तो स्पेस आपको कैसा देखने को मिल जाता है गाड़ी में? आपने आप एक ओनर है 8500 इसको चला लिया, तो सबसे पहली बात यह है कि पीछे जो इसकी रेयर सीट है उस पर तीन बंदे आ जाते हैं इजीली. बहुत इजीली तीन बंदे आ जाते हैं. एंड मोर ओवर जैसे हमने जो ट्रिप मारी थी तो हम पांच लोग ही गए थे. एंड लाइक मेरी जो हाइट है आई एम 6'2", सो आप देख सकते हैं मैं 6'2" के हिसाब से मैंने अपनी सीट पूरी कंफर्टेबल कर रखी है. आप पीछे तब भी देख सकते हैं कि पीछे कितनी स्पेस है. एक सेकेंड ये बता देगा. तो पीछे आप बैठे हो, आपको कैसा लग रहा है भाई? अगर ड्राइविंग सीट पे देखूं ना तो मेरे को काफी इनफ लेग रूम मिल रहा है. एक बार आप देखो कैमरा तो पकड़िए और आप दिखा दीजिए. हाँ, तो यहाँ पे आप इतना देख सकते हो, मेरे को अभी भी लेग रूम मिल रहा है. और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ना बीच में हम्प नहीं है कोई. अच्छा, तो यहाँ पे नहीं है. तो मेरे हिसाब से तीन लाइक मिड साइज बंदे भी ना आराम से बैठ जाएंगे. अपनी शोल्डर रूम भी बहुत ज्यादा. आई गेस तीन जने आ जाएंगे इसमें. स्पेस वाइज सही है. और आगे की जो दो सीट्स है उसके सीटिंग कंफर्ट की अगर बात कर ली जाए तो सीटिंग हाउ इज द कंफर्ट? अच्छा है. बेस मॉडल में मेरे को एक थोड़ा इशू लगता है कि इसमें ना हाइट एडजस्टमेंट नहीं है. सो अब हाइट एडजस्टमेंट नहीं है तो आप मेरे को एक बार कैमरा दिखाओ, मैं आपको दिखाता हूँ. जैसे आई एम 6'2" बेसिकली. ओके, सो आई एम ड्राइविंग तो मेरा व्यू ये आता है मेरे को, जिसमें मेरे को बोनेट पूरा प्रॉपरली विजिबल नहीं होता जब मैं ड्राइव करता हूँ. तो इसके लिए मेरे को थोड़ी सी इसकी सीट ऊपर कराने के लिए मेरे को इसमें सीट कवर में कुशनिंग करानी पड़ेगी. बाकी कंफर्ट इज रियली गुड, कोई इशू नहीं है. हाईवे पे भी कंफर्ट बहुत अच्छा है. अच्छा, तो इसकी सर्विस तो अभी आपकी ड्यू ही है? इसका बस जो इनिशियल जो चेकअप होता है जो 2000 किलोमीटर्स पे होता है, बस चेकअप हुआ था. तो अच्छा, अभी इसकी सर्विस ड्यू है अभी. सो नेक्स्ट मंथ नॉर्मल जो आरआर था. हाँ, जो तो वो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा मतलब मैग्नाइट के साथ में? यार एक थोड़ा सा आई मीन निसान के साथ में. निसान के सर्विस सेंटर्स अभी काफी कम है. अभी शोरूम्स कम है तो सर्विस सेंटर कम है. तो मेरे घर से मेरे को सर्विस सेंटर काफी दूर पड़ जाता है, काफी दूर पड़ जाता है. तो लेकिन वैसे सर्विस वाइज अच्छा था, एक्सपीरियंस अच्छा था, लोग अच्छे थे. मेरे को एग्जैक्टली जगह का नाम नहीं याद आ रहा मैंने कहाँ से सर्विस कराई थी. तो हाउ वाज द मतलब बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज? बिहेवियर ऑफ स्टाफ वाज रियली गुड. एंड एक्चुअली दे वर वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई गेस की निसान की बिल्कुल सेल्स डाउन हो गई थी. अब न्यू कार आई है, नाउ पीपल आर यू नो गिविंग गुड रिव्यूज. बिहेवियर काफी अच्छा था, देखो एम्प्लॉयज का बिहेवियर काफी अच्छा लगा. दैट्स गुड. तो इसके अगर बात कर ली जाए पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की, तो आप ही बता सकते हैं एज अ ओनर कि पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स आपको क्या लगते हैं इस गाड़ी में. तो पहले नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं. नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं तो इसका जो मेरे को मेजर जो इसमें एक इशू लगता है वो है, वो सारी ही नॉन टर्बो गाड़ियाँ जितनी भी हैं जैसे आपकी रेनो की काइगर हो गई, निसान की मैग्नाइट हो गई, इन दोनों में एक इशू है. जब आप इसका जब रिवर्स लगाते हैं तो रिवर्स पे गाड़ी में वाइब्रेशन है. हाँ यार, वाइब्रेशंस तो हैं. रिवर्स पे वाइब्रेशन है, अदरवाइज वाइब्रेशन नहीं है. लेकिन वो थोड़ा सा वाइब्रेशन इशू आ जाता है अगर आप उसको क्लच और एक्सेलेरेटर को पूरा अच्छा मैनेज कर ले. हम हाँ, मैनेज करेंगे तो ठीक है, थोड़ा इशू चले जाता है. लेकिन हाँ, थोड़ी सी वाइब्रेशन है गाड़ी. तो यार अगर मैं इसके नेगेटिव्स का, एक ये है जो आप देख सकते हैं कि 2022 में हम और इसका ये देखिए आप लॉक, ये बिल्कुल ही आउटडेटेड है. बट क्या करें, एज यूजुअल यू नो यू कैन से 550,000 में आपको कॉस्ट कटिंग तो कहीं ना कहीं तो कंपनी करेगी तो. करेगी, लेकिन इस चीज पे ओके बट कुछ नहीं कह सकता. ठीक है ठीक है. बाकी एज सच मेरे कोई नेगेटिव नहीं लगा गाड़ी में. मेजर कोई वो मेजर कोई डिफिकल्टी अभी तक कोई फेस नहीं हुई? डिफिकल्टी अब तक मेरे को फेस नहीं है गाड़ी. ठीक है, तो उसके अलावा पॉजिटिव्स आप बता दो अब इस गाड़ी के, बेस मॉडल के. बेस मॉडल के पॉजिटिव्स यार कहां से स्टार्ट करूं? अच्छा, एक्सटीरियर से, इंटीरियर से, प्लेंटी. तो इंटीरियर में हम बैठे हैं तो अभी अंदर से स्टार्ट कर लेते हैं. तो अभी यार एक तो इसका जो पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया हुआ है, कुछ छोटी छोटी फीचर्स हैं इसमें. जैसे कि आप ये देखेंगे ना, यहाँ पे लिखा हो रहा है फ्यूल यूज्ड. तो ये जो फीचर है गाड़ी का, जैसे कि आपने 500 रुपए का तेल भरवाया फॉर एन एग्जांपल, तो आपको पता है कि गाड़ी में 5 लीटर तेल है आपके पास, 5 लीटर पेट्रोल है. तो आप इसको अगर आप रीसेट कर देंगे तो ये आपको दिखाता रहेगा कि आपने अब तक कितना पेट्रोल आपका गाड़ी ने यूज करा, कंज्यूम किया, कंज्यूम करा. वाओ मैन, ये एक बहुत अच्छा फीचर है. जैसे अगर आप पेट्रोल की महंगाई को देखें तो उस हिसाब से लोग आजकल थोड़ा देख के चलते हैं. तो दैट्स अ स्मॉल बट अ वेरी गुड फीचर. एंड इंटीरियर में आप देखेंगे यहाँ पे 2 कैबिन लाइट्स दिए हैं. अच्छा, फर्स्ट ये और सेकंड ये, जो मोस्टली गाड़ियों में नहीं आती हैं. ये मैंने बाहर से चेंज करा के व्हाइट लाइट लगवाई है, वैसे येलो. अच्छा, वैसे येलो आती है. एंड चारों पावर विंडो है. तो इंटीरियर में तो मोस्टली यही है जो पॉजिटिव पॉजिटिव जो आते हैं. बाकी चलो बाहर चलते हैं, आपको बाहर दिखाते हैं इसके फीचर्स.
सो अगर आप एक्सटीरियर के पॉजिटिव्स की बात करें तो इसमें एक तो आपको सबसे पहले रूफ रेल मिल जाती है। अच्छा, बेस मॉडल में रूफ रेल नहीं आते किसी भी गाड़ी की। ओके। प्लस आपको रियर स्पॉइलर मिलता है विद लाइट। ओके। एंड इट इज एंड रूफ रेल्स, ये फंक्शनल रूफ रेल्स हैं। अच्छा, आप इसमें कैरियर ऐड कर सकते हैं, जैसे आप देखेंगे इसमें स्पेस भी दी हुई है 40 kg तक आपका ये रूफ रेल्स वेट। हाँ, इसमें कैरियर का वो दिया हुआ है। वैसे बेस्ट फीचर वाइपर डीफॉगर, रियर वाइपर जो किसी बेस मॉडल में नहीं आता। चारों पीछे अपना पार्किंग सेंसर है, चार पार्किंग सेंसर हैं और शार्क फिन मैंने बाहर से लगाया था। अच्छा, आपके बॉडी कलर्ड हैंडल्स, डोर हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं। तो एक्सटीरियर का ये कि नेगेटिव पार्ट है, फेंडर पे इन्होंने इंडिकेटर दे रखा है। हाँ, ये तो थोड़ा लगता है जो कि बिल्कुल भी नहीं जाता गाड़ी के साथ। सवाल गेट इट चेंज, देख ये चेंज कराना है। और इसके रिम्स वैसे सिल्वर आते हैं, मैंने इनको ब्लैक पेंट करा हुआ है अभी। ओके ओके ओके। अभी इसके मैंने व्हील कवर्स बेसिकली निकाल रखे हैं अभी, क्योंकि अभी मैं अभी थोड़ी सी ऑफ रोडिंग पे गया था, नेक्सॉन ग्रुप के साथ ही गया था, तो व्हील कवर मैंने निकाल के रख दिया था। अगर आपको थोड़ी ऑफ रोडिंग वीडियोज अगर आपको चेक करनी है तो यू कैन चेक आउट इन माय यूट्यूब चैनल। सो लिंक आपको, हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई का लिंक जो है यूट्यूब चैनल का, आप बिल्कुल जाकर देख सकते हैं। इनके जो ऑफ रोडिंग स्किल्स हैं वो अपने मुंह से अपनी तारीफ तो करेंगे नहीं, बट काफी हैवी ड्राइवर हैं। और ऑफ रोडिंग में फोर गाड़ी नहीं है बट या वी ट्राई। जहाँ पे हम अपनी नेक्सॉन नहीं निकाल पाए थे, भाई ने अपनी मैग्नाइट इतने अच्छे से निकाल दी थी, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का भी एंड भाई के चैनल का भी, तो बिल्कुल जाइए और थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। और वैसे सर, आपने बाहर से क्या क्या मॉडिफिकेशंस करवाई हैं, आप वो बता दो थोड़ा। बाहर से मेरे को थोड़ा सा रैप्स का है, शौक है, तो मैंने ये लाइंस बनवाई हैं यहाँ पे। अच्छा, ये पूरी रूफ तक जा रही है? जो रूफ तक जा रही है। इसमें मैंने DRL लगवाई है एंड अभी तो खैर धूप है तो अभी दिख नहीं रहा, लेकिन ग्रिल में ब्लू लाइट। मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा, आप मेरे को फोटो भेज देना। फॉर श्योर फॉर श्योर, मैं आपको फोटो भेज दूंगा। बाकी एक पीछे मैंने कंपास बनवाया है। अच्छा, दिखाइए वो भी। ये एक छोटा सा कंपास बनवाया था क्योंकि पीछे लाइंस बनने के लिए वो कह रहे थे कि लोगो रिमूव करना पड़ेगा, सो आई थॉट कि ठीक है कंपास बनवा लेते हैं। और आगे मेन LED हेडलैम्प है हमारे। इंटीरियर में भी मॉडिफिकेशन? इंटीरियर में मैंने एम्बिएंट लाइटिंग लगवाई है। अच्छा। और सिस्टम बाहर से लगवाया है, 10 इंच की एंड्रॉयड स्क्रीन लगवाई है एंड सेंटर लॉकिंग जो आप देख सकते हैं ये की है। ओके ओके ओके। तो कितना आपको कॉस्टिंग पड़ गई थी वैसे टोटल मॉडिफिकेशंस की? बाहर टोटल मॉडिफिकेशन हमारी 40,000 to 45,000 तक का तो मैंने अब तक इसमें लगा दिया है। अच्छा, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, सेंटर लॉकिंग एंड सिस्टम। ठीक है ठीक, समझ गया। तो सर, ये तो सारी बात हो गई, ओवरऑल एक्सपीरियंस आपने शेयर कर ही दिया अपना, तो ओवरऑल आप इस गाड़ी को कितने 5 में से कितने पॉइंट्स दोगे? क्या मैं इसको मतलब कितना सैटिस्फाइड हो आप? स्टार्स तो जरूर देना चाहूंगा, 4.5 स्टार्स एटलीस्ट। एंड जो मैं 0.5 स्टार्स नहीं दे रहा हूं, दैट्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ जो वाइब्रेशन है गाड़ी में थोड़ी। हाँ। उसकी वजह से, बट यू कैन नॉट बेसिकली एक्सपेक्ट मच, इट्स अ 3-सिलेंडर इंजन, 3-सिलेंडर इंजन। अदरवाइज I recommend this car to everyone. Okay. जिनका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, जो 10 lakh की गाड़ी नहीं अफोर्ड कर सकते बट दे नीड SUV, सो दे कैन ऑब्वियसली गो फॉर दिस कार। ओके, तो आज भी 2022 में भी जब इसका एक्स शोरूम प्राइस है वो इंक्रीज हो गया है, आई गेस 7.5 lakh का हो गया है, 7.5 lakh का बॉन्ड रोड पड़ता है। तो तब भी आई विल रिकमेंड यार, तब भी यू विल रिकमेंड। इसमें इतने फीचर्स हैं जो आपके बेस से ऊपर वाले मॉडल में भी काफ़ी गाड़ियों में नहीं आते, तो आपको ये सब सारे ही फीचर्स दे रहे हैं, तो I'll completely recommend it at this price. तो ये था हमारा ओनरशिप रिव्यू निशान मैग्नाइट 2021 को लेकर। होपफुली उन लोगों के थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हुए होंगे जो निशान की मैग्नाइट को परचेज करना चाहते हैं या फिर परचेज करने वाले। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना इस वाली वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी ओनरशिप रिव्यूज़ देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।